स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस जो था उसका प्रीवियस वीडियो में 8 नंबर तक बनाए थे, आज हम लोग 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को और एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए, क्लास 9 के मैथमेटिक्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है उसका 9 नंबर आज बनाएंगे हम लोग। तो 9 नंबर में क्या हिसाब है, जो क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए, नियामत चाचा हैज अबाउट 150 इग्स एट द रेट ऑफ रुपीज 5 ईच, बट आफ्टर ब्रिंगिंग टू द शॉप ही सॉ दैट 8 इग्स आर ब्रोकन एंड 7 इग्स आर रॉटन। इफ ही सेल्स ईच इग्स एट रुपीज 6, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ हिम, लेट अस कैलकुलेट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नियामत चाचा एक आदमी है जो 150 अंडे को खरीदता है, 150 अंडे को जो है वो खरीदता है। तो खरीदने के बाद जब वो दुकान में उस अंडे को लाता है और वो जो 150 अंडे खरीदता है वो 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है। तो 150 अंडे का 5 रुपए करके एक एक अंडे का अगर रेट हो तो 150 का हो जाएगा 750 रुपया, हम लोग जानते हैं। लेकिन इन 150 अंडे को दुकान में लाने के बाद वो दिखता है कि 8 अंडे जो है ब्रोकन यानी टूट गया है, 8 अंडे जो है टूट गया एंड 7 इग्स और जो 7 अंडे थे वो जो है रॉटन यानी ख़राब हो गया है। तो 7 और 8 कितना, 15 अंडे जो है वो बर्बाद हो गया उसका, क्योंकि 8 अंडा उसका टूट गया था और जो 7 अंडे थे उसका रॉटन हो गया था यानी सड़ गया था। और इसके बाद जितना बचा अंडे जो थे बचे, उस अंडे को जो है वो 6 रुपए के हिसाब से पूरे अंडे को बेच देता है। तो हमको ये पता लगाना है कि उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसका अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका परसेंटेज निकालना होगा, अगर लॉस हुआ तब भी उसका परसेंटेज निकालना होगा। तो हम लोग को ये पता करना होगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सी पी ऑफ 150 इग्स। तो यहाँ पे देखते हैं सी पी ऑफ 150 इग्स एट द रेट ऑफ रुपीज 5 ईच इक्वल टू 150 इंटू 5 इक्वल टू रुपीज 750 होगा, क्योंकि 150 अंडे को 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है, इसलिए उसका टोटल जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 750 हो। अब हम लोग लिखेंगे Now, 8 eggs are broken and 7 eggs are rotten, क्योंकि 7 अंडे जो है वो रॉटन हो गए थे यानी सड़ गए थे और 8 अंडे टूट गया था। तो इसलिए जो है जो रिमेनिंग इग्स थे कितना बचेगा, 150 अंडे इंटू, यहाँ पे इंटू नहीं होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा माइनस, 7 और 8 15, 150 में 15 को घटा देंगे हम लोग तो बचेगा हम लोग का यहाँ पे 135, यानी 135 अंडे बचा यहाँ पे। अब हम लोग को मालूम है, यहाँ पे बताया गया है सवाल में कि बचे हुए अंडे को जो है वो 6 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
एसपी ऑफ 135 एग्स एट रुपीज 6 इच इक्वल टू रुपीज 135 इंटू 6 इक्वल टू रुपीज हो जाएगा 810। आप लोग देख लीजिएगा गुना करके 135 इंटू 6 करके 810 आएगा। इसके बाद देखिए वो खरीदा था कितने में, उसका जो सीपी था वो 750, लेकिन एसपी कितना हुआ 810। इसका मतलब उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग अब जो है प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसलिए प्रॉफिट इक्वल टू, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे एसपी माइनस सीपी होगा, तो एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 810 माइनस 750। तो यहाँ पे देखिए 750 को घटा देंगे तो बचेगा हम लोगों का 60, यानी 60 रुपये उसका लाभ हुआ। देखिए ये प्रॉफिट निकल गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सवाल बोला है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना होगा, क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, यानी परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जितना आपका प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ कितना 60 इंटू 100 के बदले 100 बाई सीपी हम लोग का कितना है 750। तो यहाँ पे जीरो और जीरो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 15 से हम लोग भाग देंगे, यहाँ पे 15 चौक 60, 15 पंचे 75, यहाँ 5, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना बचेगा 8%। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 8% उसका जो है प्रॉफिट हुआ। तो ये था 9 नंबर। जो नेक्स्ट मैथ होगा वो 10 नंबर को देखते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर होगा, तो 10 नंबर हिसाब को पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। आसिफ चाचा सोल्ड अ टॉय एट 5% प्रॉफिट। आसिफ चाचा जो है एक खिलौने को बेचता है कितना, 5% प्रॉफिट के हिसाब से, 5% प्रॉफिट हो जाता है उसको उस खिलौने को बेचकर। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज लेस बाय 20% एंड सेलिंग प्राइस इज लेस बाय रुपीज 34, देन आसिफ चाचा वुड मेक ए 10% प्रॉफिट। लेट अस कैलकुलेट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो यहाँ पे आसिफ चाचा जो है एक खिलौने को बेच देता है कितना, 5% प्रॉफिट के हिसाब से। हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि उसका वो कितने में खरीदा था, लेकिन ये मालूम है कि वो 5% प्रॉफिट के हिसाब से उसको बेच देता है। इसका मतलब जो उसका एसपी है वो ज़्यादा होगा सीपी से। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज लेस बाय 20%, मान लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये था। तो 100 रुपये में अभी क्या करता है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस अभी जो है मान लेते हैं वो 20% घट गया उसका। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 × 100 बाय 100 हो जाएगा। तो 100 100 कट गया, यहाँ पे 20 हो गया। तो यहाँ पे जो नया सीपी होगा उसका 20 होगा एंड सेलिंग प्राइस इज लेस बाय रुपीज 34। अब उस सामान को 100 रुपये में ख़रीदा था, अगर 5% प्रॉफिट हुआ इसका मतलब वो ज़्यादा में बेचेगा, मान लेते हैं 120 रुपये में बेचा। तो 120 रुपये में 34 रुपये में अभी फिर घट जाएगा, 34 रुपये घट जाएगा। तो जितना बचेगा अभी मान लेते हैं यहाँ पे 86 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पहले का जो सीपी है वहाँ घटा देता है उसको, पहले का सीपी को 20% लेस से घटा देता है, 20% लेस कर देता है उसमें, यानी कम कर देता है। और पहले का जो एसपी था उसके एसपी को 34 रुपये से घटा देता है, तब भी उसका जो लाभ हो जाता है कितना, 10% प्रॉफिट हो जाता है तब भी उसको। तो हमको क्या निकालने बोला है, कॉस्ट प्राइस इस टॉय का निकालने बोला है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व,
क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेट मान लेते हैं सीपी और टॉय का है एक्स है, प्रॉफिट हमको दिया हुआ कितना 5%, इसलिए एसपी ऑफ द टॉय इक्वल टू, हम लोग जानते हैं एसपी का फॉर्मूला जो है वो है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इनटू सीपी। तो यहाँ पे देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है 5/100 इंटू सी पी हम लोग का एक्स, तो इक्वल टू हो जाएगा 105x/100। आप लोग देख लीजिएगा ये एसपी हो गया, तो ये एसपी हो गया हम लोग का। नाउ 20% लेस इन सीपी, क्योंकि सीपी में 20% लेस कर देता है, तो इसलिए सीपी हम लोग का कितना है एक्स इंटू 20/100 इक्वल टू 20x/100। तो यहाँ पे हो जाएगा x/5। तो अभी जो न्यू कॉस्ट प्राइस होगा न्यू सीपी इक्वल टू क्योंकि यहाँ पे जो एक्स था वो सीपी ओरिजिनल सीपी था, लेकिन 20% लेस होने की वजह से वो x/5 आया, इसलिए ओरिजिनल सीपी से जो 20% लेस होने वाले सीपी है उसको घटा दिया हम लोग, x-x/5 इक्वल टू आएगा हम लोग का 4x/5। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड टाइम जो सेलिंग प्राइस हुआ था उसको, सेकेंड टाइम एस पी इक्वल टू, सॉरी एक चीज यहाँ पे नहीं किए थे हम लोग, यहाँ पे कटेगा यहाँ पे 21 21 5 105 और यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी 21x/20 होगा एस पी ऑफ द टॉय जो पहले वाला था 21x/20 हम लोग लिख सकते हैं वहाँ पे। तो इसलिए सेकेंड टाइम एस पी जो हो जाएगा, क्योंकि 3400 रुपये इसमें घटा दिया हम लोग, इसलिए 21x/20-34 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ भी इक्वल टू नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग को मालूम हो गया न्यू सीपी कितना है 4x/5 और जो सेकंड एसपी था वो है 21x/20-34। तो ये दोनों सीपी और एसपी हो गया। तो अब बोल रहे हैं वहाँ पे सवाल में के उसको जो है 20% सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लेस हुआ और जो 3400 रुपये हैं वो सेलिंग प्राइस में लेस हुआ, इसलिए आसिफ चाचा को जो है 10% प्रॉफिट हुआ। तो 10% प्रॉफिट का हिसाब आप करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग न्यू एसपी एट 10%
प्रॉफिट इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इनटू। तो देखिए न्यू सीप न्यू एसपी एट 10% 10% प्रॉफिट। एसपी हम लोग का कितना है 21x/20 -34 और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट परसेंटेज है कितना 10% और सीपी है 4x/5। तो इसलिए हम लोग एसपी अब निकालेंगे 10% प्रॉफिट के हिसाब से एसपी कितना होगा हम लोग का। यहाँ पे देखिए इनटू के बाद हम लोग यहाँ पे सीपी देना होगा क्योंकि एसपी के निकालने के लिए सीपी देना होता है। तो सीपी देने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 100 और प्रॉफिट हो गया हम लोग का कितना 10। तो 110 जोड़ हो जाएगा बाय 100 इंटू जो सीपी हम लोग का कितना है अभी सीपी जो है 4x/5 है तो 4x/5 दे दिए। यहाँ पे जो इक्वल होगा वो हो जाएगा 22x/25। आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे काट के 22x/25 आएगा। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग को पता है कि सीपी में 20% लेस हुआ और जो एसपी है सबसे पहले उसमें 34 रुपया लेस हुआ। तो ये सब होने की वजह से उसको कितना हुआ 10% प्रॉफिट हुआ। अब 10% प्रॉफिट जब हुआ तो उसका जो एसपी निकला उसका कितना एसपी निकला 22x/25। तो हम लोग अब लिख सकते हैं पहला वाला जो सीपी था एसपी था उसको लिखेंगे पहले 21x/20 -34 लेस हुआ तो टोटल अभी एसपी कितना आया 22x/25। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये एसपी पुराना एसपी था पुराने एसपी में 34 रुपया घट गया तो अभी ये एसपी होना चाहिए इसलिए और 21x/20 -22x/25 इक्वल टू 34। ये नंबर को इधर लाए एक्स वाले को इधर लाए इसलिए वो माइनस में आ गया। और मैं लिख सकते हम लोग यहाँ पे 20 और 25 का एलसीएम होगा 100। तो 100 होने से यहाँ पे हो जाएगा 105x -88x क्योंकि 25 को इससे भाग देने से 4 आएगा और 4 को 22 से गुण करने से 88 आएगा इक्वल टू 34। इसके और में हम लोग लिख सकते हैं जैसे 105 है यहाँ पे 88 है तो इसको माइनस करेंगे हम लोग तो माइनस करने से बचेगा हम लोग का 17x इक्वल टू 34 और 100 को गुण करने से हम लोग का हो जाएगा 3400। इसलिए x निकला कितना 17 × 34 होता है 200। तो देखिए x का वैल्यू कितना है 200 आया और सबसे पहले हम लोग x क्या माने थे सीपी लेट द सीपी ऑफ द टॉय इज x इसलिए यहाँ पे जो अभी जो x का जो वैल्यू है वो 200 है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सीपी ऑफ द टॉय इक्वल टू रुपीज 200। तो यह हुआ हिसाब सॉल्व। तो ये था आपका 10 नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 11 नंबर है उसको बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर लिसनिंग हैव ए नाइस डे टाटा।